الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. الله كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी और आल यूट्यूब फैमिली को सब को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक कबूलो और, और उम्मीद करती हूँ आपके तरह से बहुत अच्छी खुशी चांदराल की है ये हमारे घर में मेहमान आए थे तो रात की तैयारी की थी मैंने चांद रात को पास्ता बनाया पुलाव बनाया कोफ्ते बनाए और फिर बाद में हमने मेहंदी वगैरह लगाई काफ़ी रौनक लगी हुई थी रात को तो बस ऐसे ही टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला रात को दो तीन बजे तक हम जागते रहे और फिर अगली सुबह मैंने ये शीश कबाब बनाए सुबह सुबह उठ के मैंने ये शीश कबाब बनाए ताकि दोपहर से पहले पहले सारा कुछ तैयार हो जाए और फिर मैं ये बनाने बैठ गई मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा काम ख़त्म करूं तो ये बस मैं बना के फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको शीर खुरमा दूंगी और हम सब खाएंगे बैठ के अल्लाह ताला जिन्होंने कुर्बानियाँ की हैं अल्लाह ताला उनकी सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए आमीन और ये मैंने अपने हस्बैंड को दिया है शीर खुरमा मैंने कहा आप खाएं ये सुबह नाश्ते का है उन्होंने कहा था कि नाश्ते में ये खाऊंगा मैं तो अब हम ये खाने लगे हैं बहुत मज़े की बनी थी हम सब ने खूब एंजॉय किया और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने भी खूब मज़े किए होंगे ईद में बस ऐसे ही हमने तो घर में बाहर तो गए नहीं क्योंकि बच्चे भी नहीं बाहर जाते आजकल हम भी नहीं जाते आपको पता ही है जो आजकल ये कोरोना क्या वबा निकली हुई है इतनी खौफनाक सब डरे हुए हैं कोई भी नहीं बाहर जाता ये मैं इधर बना रही हूँ लैंप कढ़ाई और साथ ही मैं पुलाव बनाऊंगी यखनी पुलाव और जब ये तैयार होगा तो इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी फिर हम सब मिलके तो खाना खाएंगे बस मैं कह रही थी कि आजकल ये जो वबा निकली हुई है हर कोई इससे डरता है हम तो वैसे भी बहुत कम बाहर निकलते हैं बच्चे भी नहीं निकलते घर में एक सारा टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग तो बस ऐसे ही हमारी ईद घर में ही गुजरी क्योंकि यहाँ तो कुर्बानी नहीं करनी होती पाकिस्तान में करनी होती है और ये मैंने यखनी रात को बना के रख ली थी और यखनी बना के रख ली थी अब मैं इसको डालूँगी पतीले में और जल्दी जल्दी से तैयार करूँगी और बच्चों को फिर दूँगी बस ऐसे ही दो दिन में इतनी थकावट होगी पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया और कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला बहुत तेज़ी से गुजरा और बहुत थकन हो गई अब और ये मैंने अंदर डाल दिया है इसको भून दूँगी ये मेरा बेटा इधर बैठा है इसको मैंने थोड़ा सा डांटा है क्योंकि इसने मैं केक रखने लगी थी इसने ऊपर से ना सारा वो कलर लगा दिया ना केक को तो बस इस वजह से अब ये मैं नान बनाने लगी हूँ घर में नान का आटा जो है रात को हमने बना दिया था और ये देखें फ्राई पैन में ना नान बनाया ये हमारी फ़ाइनल लुक है टेबल की ये पुलाव है शीश कबाब हैं और साथ वो कढ़ाई कढ़ाई गोश्त बनाया था और शीर खरमा था केक थे केक था सॉरी <laughs> एक केक बनाया था मैंने और ये काफ़ी था ये देखे मेरे बेटे ने ना ये सारा कहता मैं ईद मुबारक लिखूँगा और सारा मैं कर दिया और अब देख रहा है कि मैंने क्या किया ये देखे टेबल की फाइनल लुक और अब हम सब बैठ के खाना खाएंगे और आप भी आए इंजॉय करें हमारे साथ देखें बहुत मज़े का खाना बना था सबको बहुत अच्छा लगा बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ये था मेरा सूट आज का जो मैंने पहना था और इसके साथ ही आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़